आज हम देखते हैं कि देश में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत अच्छी हो गई है और हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की तरफ बढ़ रही है। हर कोई हिंदी को बोलने लगा है, तो इसका श्रेय कुछ प्रतिशत श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी है। वे स्वयं गुजराती भाषी थे, उन्होंने उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में प्राप्त की थी, लेकिन वे हिंदी के पक्ष में आए क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी बोलते थे। सन 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि कितने दुख की बात है कि हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं। उस समय सारा काम अंग्रेजी में होता था, इसलिए उन्होंने ये दुख दर्द व्यक्त किया था। उनकी बात का असर हुआ, उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए और उन्होंने उर्दू और हिंदी को मिलाकर के एक हिंदवी भाषा बनाने का प्रयास किया और उसकी लिपि देवनागरी लिपि रखी। आगे जाकर के हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने हिंदी प्रचारणी सभा बनाई। इंदौर के एक अधिवेशन में वे सभापति बने और हिंदी आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए, जो अंग्रेजी पुस्तकें काम किए उनका हमें अपनी भाषाओं में अनुवाद करना होगा। बहुत से शास्त्र सीखने का दंभ और वाम हमें छोड़ना होगा। हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, फारसी को फारसी का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और आज यह हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना में 46% से ज़्यादा जनसंख्या हिंदी बोलती। 2021 की जनगणना होती तो यह प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि हिंदी सभी पढ़ने लगे, लिखने लगे, बोलने लगे, समझने लगे, दबाव के कारण नहीं, आपसी सहमति से, समझ से हिंदी आगे बढ़ी और आगे बढ़ती जाएगी और हम एक भाषा सूत्र में बन जाएंगे। हम इस भाषा सूत्र के कारण एक राष्ट्र के रूप में विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे, यही कामना है। धन्यवाद।